Assalamualaikum and very good morning to my lovely students. How are you all? I hope you are all well at home. So welcome to the mathematics class, class 3, chapter 7, time goes on, part 6. Now start in this video, the part 6 of this lesson, right? So what I'll taught you today in my class? So let's see. So next topic is Which festival comes first? आपके टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो यह टॉपिक आएगा, यानी नेक्स्ट पेज पे होगा Which festival comes first? So here in the textbook you can see name of the festival given, dates also provided, right? And then day and blanks are there. यानी आपको क्या करना है, ये जो फेस्टिवल के कौन सी डेट को आ रही वो दिया हुआ है, नवंबर 7, दिवाली, राइट, पोंगल, जनवरी 14, अगस्त 26, लाइक दिस. तो आपको डे लिखने, यानी नवंबर 7 कौन से डे को आ रहा है, मंडे को, ट्यूसडे को, संडे को, कौन से डे को आ रहा है, राइट. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वी हैव टू सी द कैलेंडर, राइट. सो विच डेट इज दिस, नवंबर 7. सो लेट्स सी ऑन अ कैलेंडर, नवंबर 7. सो दिस इज योर मंथ नवंबर, राइट. नवंबर डेट इज 4, 5, 6, 7. 7 डे मीन्स विच डेट, विच डे इज दिस, यू कैन सी विच डे, वेनसडे. तो 7 नवंबर का कौन सा डे है, वेनसडे. सो योर फर्स्ट इन द ब्लैंक यू हैव टू राइट डाउन इट, वेनसडे. तो आप टेक्स्ट बुक में मेरे साथ में आंसर लिखते जाओ, चलो टेक्स्ट बुक में लिखते जाओ, यानी नवंबर 7 का कौन सा डे है, वेनसडे. नेक्स्ट इज जनवरी 14. सो लेट्स सी फर्स्ट मंथ जनवरी 14 डेट, दिस मीन्स हियर. सो 14 कौन सा डे है, संडे. कौन सा डे है, संडे. सो नेक्स्ट आंसर इज संडे. समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स. देन रक्षाबंधन अगस्त 26 को. सो लेट्स सी अगस्त 26, जुलाई, अगस्त, अगस्त इज देयर. नाउ डे 26, 24, 25 एंड हियर 26 डेट इज देयर. सो विच डे अगेन, संडे. कौन सा डे आया अगेन, संडे. सो अगस्त 26 को कौन सा डे है, संडे, राइट. देन गांधी जयंती 2nd अक्टूबर. सो 2nd अक्टूबर को कौन सा डे है, लेट्स सी अक्टूबर दिस हियर नंबर 2, 2nd, राइट. कौन सा डे है, 2nd ट्यूजडे. कौन सा डे है, ट्यूजडे. सो 2nd अक्टूबर इज अ ट्यूजडे ऑन 2nd अक्टूबर, राइट. देन मिलादुल नबी, अपनी ईद आती है ना, तो नवंबर 21 को है. तो नवंबर 21 को कौन सा डे है, हियर इज योर मंथ नवंबर एंड 21, हियर इज योर 21. सो अगेन विच डे, वेनसडे. कौन सा डे आया, वेनसडे. सो योर आंसर इज वेनसडे, राइट. देन ऑगस्ट 25 को ओनम फेस्टिवल है. सो ऑगस्ट 25, लेट्स सी जुलाई, अगस्त, ये रहा अगस्त का 25, ये रहा 25 को कौन सा डे है, सैटरडे. कौन सा डे है, सैटरडे. सो हियर योर आंसर इज सैटरडे, राइट. देन गुरु नानक बर्थडे कौन से दिन को है, नवंबर 23 को, राइट. सो लेट्स सी नवंबर 23, अगेन नवंबर मंथ एंड डेट 23 ईयर. सो 23 डेट को कौन सा डे है, फ्राइडे. कौन सा डे है, फ्राइडे. सो हियर योर आंसर फ्राइडे. देन नेक्स्ट गुरु रविदास बर्थडे इज ऑन जनवरी 31st. सो लेट्स सी जनवरी 31st को कौन सा डे है, फर्स्ट वन जनवरी 31st लास्ट डे. सो कौन सा डे है, वेनसडे. कौन सा डे है, वेनसडे. सो जनवरी 31st को आएगा वेनसडे, राइट. देन क्रिसमस दिसंबर में आता है, वो तो पता है ना, क्रिसमस दिसंबर 25th को आता है. सो लेट्स सी दिसंबर 25th को कौन सा डे है, दिसंबर एंड 25, हियर इज योर 25 डेट एंड ट्यूजडे. कौन सा डे है, ट्यूजडे. सो योर आंसर इज ट्यूजडे, राइट. देन बिहू फेस्टिवल केम्स इन अप्रैल 15 अप्रैल को. सो लेट्स सी ऑन 15th अप्रैल विच डे इज दिस, April here, April and 15, so here you can see 15 April, which day is this, Sunday. So kya answer aayega, Sunday. Which day, Sunday. So understood this one students, samajh mein aa raha hai na aapko. यहाँ पे आपको टेक्सटबुक में ये जो डेट्स है कैलेंडर में आप देखना है कि ये डेट्स को कौन सा डे आ रहा है वो आपको लिखना है. आंसर ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू, एक्सप्लेन यू, आपको भी लिखना है आंसर मेरे साथ, ठीक है.
Now let's see next. Next is diya hai that arrange the festivals in the order in which they come in the year. Yani pure saal mein wo kaun se order mein aapko proper karna hai. राइट अरेंज करना है. तो ऑर्डर में मतलब यानी जो फर्स्ट आता है वो फर्स्ट उसको लिखना है, फिर सेकंड उसके बाद जो आता है, यानी हमें मंथ वाइज, इन शॉर्ट हम करेंगे इसको अरेंज मंथ वाइज. सो लेट्स सी, हमारा पता है कि साल में सबसे पहले फर्स्ट मंथ कौन सा आता है, जनवरी. तो देखो यहाँ पे जो डेट्स भी है उसमें जनवरी की कौन कौन सी है. हियर यू कैन सी दिस वन ऑल्सो जनवरी. एनीथिंग एल्स इन यस दिस वन ऑल्सो. सो जनवरी के दो है. अब फर्स्ट कौन सा आता है तो उसके लिए हम जाएंगे डेट्स पे. तो ये जो पोंगल फेस्टिवल है वो जनवरी 14 को आता है और ये जो गुरु रविदास बर्थडे है वो 31 को आता है. तो सबसे पहले कौन सी डेट आती है, 14 या 31st? स्टूडेंट्स बताओ कौन सी. यस 14 फर्स्ट. सो फर्स्ट आएगा पोंगल और उसके बाद आएगा गुरु रविदास बर्थडे. राइट, सो योर फर्स्ट आंसर इज पोंगल एंड सेकेंड गुरु रविदास बर्थडे. राइट, अंडरस्टूड, समझ में आया. राइट, नाउ जनवरी फिनिश. नाउ फेब्रुवरी. फेब्रुवरी का कोई है फेस्टिवल? नो. देन मार्च, मार्च का भी नहीं है. देन अप्रैल, अप्रैल है. यस अप्रैल 15 को कौन सा फेस्टिवल है, बीहू. सो नेक्स्ट वुड बी बीहू. राइट, अंडरस्टूड. नाउ अप्रैल हो गया. मई, मई है यहाँ पे, नो. देन जून, जून भी नहीं है, नो नो नो. देन जुलाई इज देयर, नो जुलाई इज नॉट देयर. देन ऑगस्ट, ऑगस्ट इज यस, हियर इट इज ऑगस्ट, रक्षाबंधन ऑन ऑगस्ट 26th. एंड यस हियर इज ओनम ऑल्सो ऑन ऑगस्ट 25th, यानी 25th को. तो 26th और 25th कौन सा फर्स्ट होगा, ऑब्वियसली 25 फर्स्ट एंड 26 बाद में, यानी ओनम फर्स्ट आएगा एंड देन रक्षाबंधन. सो नेक्स्ट इज ओनम एंड देन रक्षाबंधन. राइट, सो नेक्स्ट लेट्स सी, अगस्त के बाद आता है सितंबर. सितंबर है, नो. देन अक्टूबर, यस अक्टूबर इज देयर. एनीवन एल्स अक्टूबर? नो, अक्टूबर का एक ही है, 2nd अक्टूबर को गांधी जयंती. दैट आई ऑलरेडी बीटन ओवर हियर कि गांधी जयंती आता है. राइट, ओके. नेक्स्ट अक्टूबर के बाद नवंबर. सो नवंबर 7, दूसरा भी है नवंबर 21st, नवंबर 23. सो नवंबर में हमारे पास 3 फेस्टिवल है. राइट, सो वी आर सी वी कॉन्सेंट्रेट ऑन द डेट. सो हियर डेट 7, देन 21 एंड देन 23. सो फर्स्ट विच वी कंसिडर, विच वन इज द फर्स्ट कम विच डेट? यस 7, यानी पहले आएगा दिवाली, देन 21st एंड 23rd. फर्स्ट आएगा कौन सा, 21 या 23? बोलो बोलो बताओ स्टूडेंट्स, विच वन? यस ऑब्वियसली 21, यानी 21 को क्या है, मिलादुल नबी, और 23 को है गुरु नानक बर्थडे. सो नेक्स्ट आएगा दिवाली, देन मिलादुल नबी एंड गुरु नानक बर्थडे. सो लेट्स सी, दिवाली, देन मिलादुल नबी एंड गुरु नानक बर्थडे. अंडरस्टूड. नाउ नवंबर हो गया था, बचा कौन सा, एक ही है, दिसंबर 25 को कौन सा है, क्रिसमस. राइट, सो लास्ट आएगा अपना क्रिसमस. राइट, देन विच फेस्टिवल कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी साल में सबसे पहले कौन सा आता है, यही ना फर्स्ट ईयर. सो आंसर इज पोंगल. राइट, एंड विच फेस्टिवल कम्स एट द एंड ऑफ द ईयर, खत्म होने में कौन सा, लास्ट मंथ में, क्रिसमस. कौन सा आता है फेस्टिवल, क्रिसमस. तो समझ में आ गया, ये टेक्स्ट बुक का आपको मैंने पेज नंबर 104 मैंने एक्सप्लेन किया, समझ में आया. योर नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्लीट द कैलेंडर फॉर अगस्त 2018 एंड यूजिंग दिस कैलेंडर यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज यू कैन सी ऑन योर टेक्स्ट बुक. सो फर्स्ट हियर यू कैन सी द कैलेंडर ऑफ अगस्त 2018, मिसिंग नंबर्स आर देयर, इट्स नॉट कंप्लीटेड रिटर्न. One number given, 3, 7, 18, 24. So you have to first complete this calendar. So 1 के बाद क्या आता है, 2. So you have to write down 2 over here. Then 4, 3, 4. Then 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 is given. Then 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 31 because आपको पता है ना अगस्त में कितने दिन होते हैं 31 होते हैं that I already explained it. Understood? So first you have to complete the missing date number on this calendar and now you have to answer the following question. So first question is that color all the Sundays in red. यानी संडेज यानी ये वाला. सो आपको पहले ये 5 डेट वाला ये पूरा जो बॉक्स है उसमें रेड कलर फिल करना है. देन ये 12 नंबर को, देन 19, देन 26. तो ये सारे हमारे संडेज है ना. तो ये सभी संडेज को हमें कौन सा कलर फिल करना है? रेड. राइट. नेक्स्ट, ऑन विच डे डज दिस मंथ एंड. इट मीन्स विच डे दिस मंथ एंड यानी ये मंथ कौन से दिन को फिनिश होता है लास्ट. सो 31st डेट हमारे लास्ट डेट दिस मंथ. सो विच डे? फ्राइडे. सो योर आंसर इज फ्राइडे. राइट. नेक्स्ट, राइट द नंबर ऑफ डेज इन दिस मंथ. यानी ये मंथ में कितने नंबर ऑफ डेज है यू ऑल नो. विच हाउ मेनी? 31 डेज. सो योर आंसर इज 31 डेज. राइट. यू हैव टू ऑल्सो राइट डाउन दिस आंसर इन योर टेक्स्ट बुक विथ मी. ओपन योर टेक्स्ट बुक. देन what day is it on 13th of August? 13th August, let's see where it is here. So 13th of August, which day it was? Which day? This is Monday. So your answer is Monday. 13th August ko kaun sa day hai? Monday. Next, what is the date on the second Saturday? Yani Saturday hame sare diye hain. Yani ye first Saturday and second Saturday. So second Saturday ko kaun si date hai? 11. So answer is 11th August. Understood? समझ में आया ना. Let's see next. Next is it the 21st a Sunday? यानी 21st जो date है उस दिन Sunday है. Let's see 21st. Here is your 21st. So 21st को Sunday है? No. So no. 21st को क्या है? Tuesday. Right? Tuesday है ना. Next is, what is the day on the 29th? Yani 29th ko kaun sa din hai? Wednesday. Kaun sa din hai? Wednesday. Right? Then next is, what will be the date on the same day next week? Yani ye 29 ke baad wala next week jo aayega usme same day yani same Wednesday ko kaun si date hogi. Yani ye hamara yahan pe dekh sakte ho ki ye month finish ho gaya. Now we have to see on the next month. ये August है. August के बाद कौन सा month आता है? September. So let's see on the calendar. This is your August and September. यानी ये week खत्म हो गया 29. So Wednesday next week अगर आप देखोगे Tuesday, Wednesday. तो Wednesday को next week को कौन सा day हो रहा है? 5. कौन सा दिन हो रहा है? 5. यानी 5th of September. So your answer is 5th September. Right? Next, how many Thursdays are there in this month? यानी ये month में Thursday कितने हैं? You can see 1, 2, 3, 4 and 5. So how many Thursdays are there? 5. Right? Next, here it is given, find out which month in the calendar 2018 have 5 Sundays? So let's see on a calendar कि हमें ये find out करना है कि कौन कौन के month में अंदर कौन कौन से month के अंदर हमें 5 Sundays है. So you can see January 1, 2, 3, 4 Sundays. February also 4, March also 4, April you can see 1, 2, 3, 4 and 5. So one month we got, that is April, May 4, June also 4, July having you can see 5, right? So July is also there. Then August you can see 4 days, September you can see 5, so September also. Right? Then October again 4, November 4. And December, yes, December also 5 Sundays. Right? So which month we will get? That is April, July, September and October. Right? So these are the days we got it, which has 5 Sundays. So your answer is April, July, September and December. Right? Next,
इज देयर एनी अदर डे इन एनी मंथ विच कम्स 5 टाइम्स? आपको यस और नो में आंसर देना है, बट लेट्स सी. आप देख सकते हो हियर ऑल्सो ट्यूजडे, वेनसडे ऑल्सो 5, देन थर्सडे, ये थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. सो यस, एक्सेप्ट संडे के अलावा भी बहुत सारे दिन है ना जो 5 टाइम्स आते हैं डे. सो योर आंसर इज यस, राइट. नेक्स्ट, कैन देयर बी 6 संडेज इन अ मंथ? यानी कोई मंथ ऐसा है जिसमें 6 संडेज है? इज इट? हमने अब तक देखा लास्ट 5 ही संडेज थे, राइट. सो नो, देयर कांट बी 6 संडेज इन अ मंथ. एंड उसके साथ ही एक क्वेश्चन दिया है आपको, व्हाई? यानी कैन बी 6 संडेज इन अ मंथ, वी आर राइटिंग आंसर नो, बट व्हाई? क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज हमें पता है कि मैक्सिमम जनरली हमें क्या पता है कि 4 वीक्स इन अ मंथ होता है, राइट. मंथ में जनरली 4 वीक्स होता है, बट अगर कभी कंसिडर करते हैं आपके थर्सडे स्टार्ट हुआ, थर्सडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड मंडे ट्यूजडे वेनसडे लास्ट डे की तरह, तो वो एक कंसिडर करें तो ज्यादा से ज्यादा 5 वीक्स होते हैं इन अ मंथ, बट मोर नॉट मोर देन 5 वीक्स. दैट्स वाई देर वुड बी नो 6 संडेज इन द मंथ. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? So complete your all the work which I explain in the video in your textbook with me also. Textbook open करके आपको देखना है and CW work भी हम जो भी आपको भेजे वो भी आपको complete करना है, ठीक है. Till then stay home, stay safe, take care and Allah Hafiz. Okay, complete it. और जो भी ना समझ में आए आप comment में लिख के भेज सकते हो कि मैम ये हमें समझ में नहीं.